बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस के प्रदेश व्यापी बंद के आह्वान पर कटनी में भी बंद रखा गया। व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने बंद का समर्थन देते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिथिलेश जैन के नेतृत्व में शहर में भ्रमण कर बाजार दुकानें बंद करने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भारी भरकम वृद्धि की जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें कम है। भारत देश से जिन देशों में पेट्रोल जाता है, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ पेट्रोल की कीमतें कम है। भारत में पेट्रोल की कीमत 39 रुपये पड़ती है, लेकिन केंद्र सरकार ने भारी भरकम टैक्स लगा दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भारी भरकम टैक्स लगा दिया। बिना किसी कारण के पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि हो रही है। रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि होने से लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होने से महंगाई चरम पर पहुंच गई है। तो आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ आज कटनी हम लोगों ने बंद का आह्वान किया है और कटनी की जनता ने इस महंगाई के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस के पक्ष में विश्वास व्यक्त करते हुए स्वेच्छा से आज अपनी अपनी दुकानें बंद की हैं। ये कब तक जारी रहेगा? हमारी लड़ाई दिन प्रतिदिन जारी रहेगी। जब तक ऐसी निकम्मी सरकार को जनता उखाड़ नहीं फेंकती, तब तक हम जनता को साथ में लेकर के संघर्ष को जारी रखते हैं। कटनी से आरबी गुप्ता की रिपोर्ट।